एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मी रिचा। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम करेंगे अपने बालों को स्ट्रेट घर में, यानी कि जो टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग होती है, प्रेसिंग जिसको कहते हैं, वो मैं आपको करना आज बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मेरा ये फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनिंग आयरन है, और ये मेरे पास काफी टाइम से, आई थिंक मेरे पास 3 से 4 साल से है, और काफी ज्यादा पसंद है मुझे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कॉम, अपना हेयर सीरम, और यहां पर हमें चाहिए करीब 2 क्लचेस। तो सबसे पहले बालों को खोल लेंगे। सबसे पहले हमें अपने बालों को कॉम करना है, यानी सुलझा लेना है। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले का वीडियो जो मैंने पोस्ट किया, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ से मेरे बाल रिबॉन्डेड हैं, और जो ऊपर ये नई ग्रोथ हुई है तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वेवी हैं। तो अब हमें अपने बालों में पार्टीशन करना है। आप सेंटर पार्टीशन करना चाहते हैं या फिर किनारे की मांग निकालना चाहते हैं, तो आप फ्रंट से ऐसे कर लीजिए और बैक साइड से आपको 2 पार्ट में बालों को डिवाइड कर लेना है। एक साइड के पार्ट को हम टाई कर देंगे अपने जो क्लचर है उसके साथ। ऊपर दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप किस तरीके से हेयर स्ट्रेटनिंग करें कि आपके बालों को कोई डैमेज ना हो। अब इधर मैं अपने बालों में हेयर सीरम लगा रही हूँ, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज करनी है बालों में, जब तक ये सारे बालों में स्प्रेड नहीं हो जाता है। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा डिटेल में बना रही हूँ, तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबा है वीडियो तो आप इसको स्किप करके देख सकते हैं। इसके बाद हमें बालों का पार्टीशन करना है। तो यहाँ पर मैं ईयर से जो बाल हैं पार्टीशन कर रही हूँ, और इसको ऊपर मैं टाई कर दूंगी जो है हमारे क्लचर से। और जो ये मैंने बाल स्ट्रेट करने के लिए निकाले हैं, ये मैंने कम अमाउंट में लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है अमाउंट, और ये मैंने 342 के करीब स्टार्ट किया है। इसके बाद एक बार फाइनल कॉम करने के बाद गर्म किया हुआ आयरन जो है मैं फ्लैट आयरन को इस तरीके से 1 से 2 बार अपने जो स्ट्रिंग हमने बालों की ली है उसके ऊपर चलाना है, और उसके बाद इसके ऊपर अपने हाथों को इस तरीके से फिराना है जिससे कि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि फ्लैट आयरन चलाने के बाद ये गर्म होते हैं। तुरंत अगर हम बार बार इस पर फ्लैट आयरन चलाते रहेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अपने जो बाल हैं उनको हम डैमेज ज़रूर कर लेंगे। तो इस तरीके से बस कॉम करना है और 1 से 2 बार फ्लैट आयरन को चलाना है, और उसके बाद हाथों को ऐसे फिराना है जिससे कि थोड़े से ठंडे हो जाएं, और उसके बाद फिर से एक बार हम इसको चलाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बाल ज़्यादा वेवी हैं तो आप ये काम 1 बार के बजाय 2 बार कर सकते हो, या फिर 2 से 3 बार भी चला सकते हो फ्लैट आयरन को। पर बार बार इसको मत चलाइए, वरना अगर आप ज़्यादा बार फ्लैट आयरन को चलाते हैं ये सोच कर कि अच्छे से बाल स्ट्रेट हो जाएँ, तो वो बालों को बहुत डैमेज करता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हेयर सीरम लगाने के बाद जितने बाल आप ले रहे हो कम अमाउंट में लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटे गुच्छे बाल के, बहुत ज़्यादा मोटा गुच्छा बालों का मत लीजिए, और इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिंग्स लेकर और उसके बाद आप बालों में अपने हेयर स्ट्रेटनिंग करिए। तो कानों को संभाल के रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जलने के चांसेस रहते हैं। तो इसके पास जो कानों के लिए होती है हमारे ईयर कैप भी आती है, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और फाइनल एक बार जो पार्टीशन किए हुए बाल हैं उनके ऊपर एक बार आयरन चलाकर, और उसके बाद उनको बैक साइड में कर दीजिए, और अब उसी तरीके से पार्टीशन करना है। तो और मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर तरफ के जो बाल होते हैं इस साइड के अलग तरीके से आपका हाथ और इसका स्ट्रेटनर का मूवमेंट होता है, और जो दूसरे साइड के बाल होते हैं उनके लिए आपके हाथ का मूवमेंट और स्ट्रेटनर पकड़ने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा बना दिया है, जिससे कि आपको कोई भी टेंशन ना हो और आप आराम से स्ट्रेटनिंग कर सको, और जो हमारे सिर के ऊपर के बाल होते हैं उनको थोड़ा सा अलग तरीके से हम स्ट्रेट करते हैं, डायरेक्शन अलग दे देते, तो आप उस चीज़ के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से आयरन करना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप इस तरीके से सामने क्लचर भी लगा सकते हो।
For the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand. लीजिए, एक तरफ के जो बाल हैं पार्टीशन के वो हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 3:54, यानी कि करीब 12 मिनट लगे मुझे एक साइड के बालों को स्ट्रेट करने के लिए। और चूंकि मैंने शूटिंग करनी थी, रिकॉर्ड करना था वीडियो, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, वरना ये 10 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं एक साइड के। तो अब करते हैं दूसरे साइड का पार्टीशन, और जिधर हमने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है उस तरफ कुछ अभी टाई ना करें, क्योंकि बाल अभी गर्म है। अगर आप तुरंत ही इनको बांध देते हैं तो ये थोड़े से वेवी हो सकते हैं, इसलिए इनको इसी तरीके से पीछे के साइड कर दीजिए और छोड़ दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब आप इनको क्लच लगा सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं। जब आप स्ट्रेट कर चुके हो तो इसको बांधने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड भी सीरम को लगा लिया है, बालों को पार्टीशन कर लिया है। और इसके बाद अब आप देखोगे कि किस तरीके से हमें अपने हाथों को और स्ट्रेटनर को पकड़ना है। Dragonfly, just grab my hand from him sin. For the stars, traveling so
तो अब आती है बारी हमारे क्राउन पर के जो बाल हैं उनको स्ट्रेट करने की। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको पकड़ना है और ये जो पार्टीशन आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से किया है, और इन बालों को हमें सीधा ऊपर से पीछे के साइड करना है, यानी कि इसको साइड बाय साइड हम स्ट्रेट ना करके इसको ऊपर ले जाते हुए और पीछे के साइड तक स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो आपके बाल हैं वो एकदम से चिपक कर नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा बाउंस मिलेगा बालों में। तो ये सिर्फ एक तरीका है, अगर आप चाहते हो कि आपके बाल चिपक कर नहीं आए, कई बार स्ट्रेटनिंग हम करते हैं या आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी करवाते हो तो बाल एकदम फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि किसी ने दुपट्टा ओढ़ रखा है, तो वो बाउंस नहीं होता उसके अंदर। बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके बालों में ऊपर के साइड में बाउंस आएगा। तो आप देख सकते हो कि बाल थोड़ा सा फूले हुए से हैं, बाउंस आ गया है, और टाइम हो रहा है 4:07 यानी कि 4:07। तो लगभग 25 मिनट के अंदर अंदर मैंने पूरे बालों में स्ट्रेटनिंग कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शूट करूं इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा, वरना आराम से 20 मिनट के अंदर मेरे जितने बालों की ग्रोथ में आप या लेंथ में आप आराम से स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा जो मुझे रिजल्ट मिला है, कितने अच्छे स्ट्रेट बाल हो गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप फ्रंट में सामने की तरफ बाल करना चाहते हो तो इस तरीके से नीचे करने पर ये इस तरीके से आ जाएंगे आराम से। तो आप जिस तरफ इसको शेप देना चाहते हो, इसका मतलब लुक दिखाना चाहते हो, जिस तरफ इनको रखना चाहते हो, उस हिसाब से आप जब स्ट्रेट करते हो बालों को तो ये उसी साइड में रहेंगे। अगर आप बैक साइड में इनको स्ट्रेटनिंग के टाइम करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मुँह पर नहीं आएंगे, और अगर आपने जैसे मैंने अभी किया देखा कि सामने की तरफ किया तो ये आपको फेस के ऊपर दिखाई देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा भर भर कर, और कमेंट करिएगा खूब सारे। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।